आप जान लीजिए हमारी बात थोड़ी कड़वी होती है। अखिलेश जी DCBI से डरते हैं, लालू जी डरते हैं, ममता जी डरती हैं, सोनिया जी, सब DCBI से डरने वाली गोल इकट्ठा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि CBI तोता है। हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने संत कबीर नगर में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने CBI और ED दोनों को केंद्र सरकार का तोता बताया। हालांकि बाद में वह पलटकर सुप्रीम कोर्ट की बात को दोहराते हुए नजर आए। बोले कि यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सपा के राष्ट्र महासचिव शिवपाल सिंह यादव के करीबी दिनेश सिंह सहित तमाम सपा नेता 3 अक्टूबर को कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। 3 को कांग्रेस कार्यालय में होने वाले समारोह में पूरब से पश्चिम तक के तमाम नेता कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। इन नेताओं का आरोप है कि उन्हें सपा में तवज्जो नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किन्नर काजल के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने इस किन्नर की करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। फिलहाल जेल में बंद इस किन्नर काजल पर मासूम बच्चों को बहला फुसला कर अगवा करने, उनके प्राइवेट पार्ट काट कर नपुंसक बनाने और भीख मंगवाने का आरोप है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सीतापुर पुलिस ने काजल की 3 मकान, 4 गाड़ियां समेत अन्य संपत्तियों को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दरोगा ने दलित महिला के साथ चलती कार में रेप किया। आरोपी दरोगा ने इस वारदात का वीडियो भी बनाया और फिर ब्लैकमेल कर बार बार महिला के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। वहीं जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी दरोगा, उसके 3 साथी पुलिसकर्मियों ने महिला को जेल भेजने और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दरोगा और उसके 3 साथियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर पुलिस ने 1 सप्ताह पूर्व हुई एक युवक की हत्या कर सनसनीखेज खुलासा किया है। युवक राम नारायण की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके खास दोस्त सुशील ने ही अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले में सुशील और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह वारदात कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र की है। इसी महीने 24 सितंबर की शाम का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रेलवे स्टेशन पर मंगलवार रात बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक मथुरा जंक्शन पर संकूर बस्ती मथुरा AMU अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इस हादसे के दौरान प्लेटफॉर्म में भगदड़ मच गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के दौरान एक यात्री घायल हो गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दांतागंज कोतवाली क्षेत्र में आने वाले एक एरिया की है जहां 2 लड़कियों ने समलैंगिक विवाह किया है। इस शादी के पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लड़की ने दूसरी लड़की की मांग में सिंदूर भरते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। यह शादी बरेली के एक मंदिर में हुई है जिसकी गवाह कई लोग बने। वाराणसी शहर के हबीबापुर क्षेत्र में मंगलवार की सुबह 4 वर्षीय कार्तिक करण की चपेट में आ गया। रास्ते से गुजर रहे 2 बुजुर्गों ने सूझबूझ से उसकी जान बचा ली। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद है। बाद में पता चला कि हबीबापुर में अवैध रूप से तार खींचकर झालर जलाए गए। पोल में जो तार बांधा था वह कटा था, इससे करंट उतर आया। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता नीरज पांडे ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को रीवा जिले के सिंगमौर निर्वाचन क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करके मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के अभियान की शुरुआत करेंगे। MP की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता सपा के राज्य नेतृत्व के साथ कई बैठक करेंगे और सिरमौर में एक सार्वजनिक रैली करेंगे जहाँ पार्टी के पूर्व भाजपा विधायक लक्ष्मण तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गुरुवार को लखनऊ लौटने से पहले वह खुजराहो में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले राज्य कर विभाग में एक शिकायती पत्र ने खलबली मचा दी है। विभाग के एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के खिलाफ जांच के एक मामले में रिश्वत लेकर क्लीन चिट देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में एक पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय और दूसरा पत्र कमिश्नर राज्य कर को दिया गया है। जवाब में IAS अधिकारी ने अरबों के राजस्व नुकसान से जुड़े 7 मामलों के साथ खुद की भी जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराए जाने के लिए संस्तुति कर दी है। पूरे मामले में आयुक्त राज्य कर से आख्या मांगी गई है। रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। मामले की जांच शुरू हो गई है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें पब्लिक न्यूज़ TV।